हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब अच्छे हैं एंड नई चीज़ें सीख रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर। हमने जो ऑप्शंस के ऊपर जो सीरीज स्टार्ट किया था, उसमें हमने डेरिवेटिव्स मार्केट क्या होता है, डेरिवेटिव्स मार्केट एंड कैश मार्केट में बीच में क्या अंतर है, ये सब डिस्कस किया था। उसके बाद हमने फ्यूचर क्या होता है डिस्कस किया था, ऑप्शंस क्या होता है, कॉल क्या होता है, पी क्या होता है, सी क्या होता है, ये सब हमने डिस्कस किया था। एटीएम ओटीएम सब बेसिक से लेके मैंने डिस्कस किया था। तो अगर आपको अभी भी इन सारी चीज़ों में कहीं पे कोई डाउट है तो ऊपर आई बटन में एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके वीडियोस को देख सकते हैं। तो आपके लिए ये वीडियो थोड़ा ईजी होगा। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक्स के, वो है बेसिक्स ऑफ ऑप्शन ग्रीक्स। आप लोग ऑप्शंस का नाम अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं या ऑप्शंस के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं, तो आप लोगों ने ऑप्शंस में ये सारे नाम तो ज़रूर सुना होगा। डेल्टा हो गया, गामा हो गया, थीटा हो गया, वेगा हो गया, इन सारे प्रोनाउंस टर्म्स को तो आपने ज़रूर सुना होगा। तो इन सारे टर्म्स होता क्यों है, ये डेल्टा क्या होता है, वेगा क्या होता है, गामा क्या होता है, थीटा क्या होता है, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है कि ये क्या होता है। इन्हीं को हम ऑप्शन ग्रीक्स बोलते हैं। अब ये सारी चीज़ें सुनने में बहुत मुश्किल लग रहा है कि डेल्टा गामा पता नहीं, ये फिज़िक्स का वो गामा रे ये सब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही इजी है, बहुत ही ईजीएस्ट वे में मैं समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में हम चार पार्ट बनाएंगे। आज हम सीखेंगे कि डेल्टा क्या है, नेक्स्ट दिन हम सीखेंगे वेगा, उसके बाद गामा, उसके बाद थीटा, ऐसे करके सारे चारों ऑप्शन ग्रीक्स को हम कवर करेंगे। तो मेक श्योर कीजिए आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले, उसके लिए आप नीचे जो रेड आइकन है उसे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड चैनल के बेल को ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। एंड आज का टॉपिक है ऑल अबाउट डेल्टा। डेल्टा के बारे में हम सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि डेल्टा आखिर है क्या, ये काम कैसे करता है। अभी हम सोच लेते हैं कि निफ्टी का प्राइस चल रहा है 11,000, ठीक है, निफ्टी का स्पॉट प्राइस चल रहा है। तो आपने क्या किया, 11,300 इसका एक सी बाई किया, ठीक है, मतलब आपका व्यू है मार्केट बुलिश होगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये 11,300 एक ओटीएम कॉल है, यानी कि आउट ऑफ द मनी कॉल है। तो इस ओटीएम कॉल में आपको पता है कि अगर मार्केट 11,000 से, मेरा कॉल है 11,300 का, तो मार्केट अगर 11,050 भी जाएगा तो भी मेरा प्रॉफिट होगा, लेकिन कितना प्रॉफिट होगा ये हमको नहीं पता होता है। तो ये बताता है डेल्टा, ये कैलकुलेशन डेल्टा करता है। अब हम डिटेल में समझते हैं, वीडियो को ध्यान से समझना। 11,000 का स्पॉट का प्राइस चल रहा है निफ्टी का, आपने 11,300 का कॉल प्राइस सी खरीदा, ये 11,000 से उठ के 11,100 चला गया, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा। ये सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फैक्टर करता है, जो स्ट्राइक प्राइस है उसका वॉलेटिलिटी कितना है, उसके बाद उसका जो इंटरेस्ट रेट है, ओपन इंटरेस्ट है वो कितना है, एंड उसका टाइम वैल्यू एक्सपायरी डेट कितना नज़दीक है, इन सारी चीज़ों पे डेल्टा कैलकुलेट होता है। जनरली डेल्टा का वैल्यू होता है अगर वो एक आउट ऑफ द मनी कॉल है या फिर आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है, कॉल छोड़ दीजिए, आउट ऑफ द मनी पी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। अगर वो एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है तो हर स्पॉट के एक रुपये के प्राइस के हिसाब से, हर एक रुप स्पॉट के प्राइस में जब भी एक रुपये का चेंज आएगा, यानी निफ्टी 11,000 से 11,001 रुपीज़ में जाएगा, तो उस ऑप्शन का प्राइस 0.2 के हिसाब से बढ़ेगा। ये आउट ऑफ द मनी में होता है, ओटीएम में, ठीक है, ये 0.2 के हिसाब से बढ़ेगा। यानी कि अगर आप एक ऑप्शन निफ्टी का स्पॉट स्ट्राइक प्राइस 11,001 का एक ऑप्शन बाई करेंगे, तो निफ्टी 11,000 से एक रुपये जाएगा तो आपके ऑप्शन में 0.20 पैसा का चेंज आएगा, ठीक है। तो अगर ये 5 रुपये ऊपर जाता है, यानी कि इसमें इंटू 5,
इक्वल टू 1 रुपीस का चेंज आएगा आउट ऑफ द मनी में। आप सोचिए ये ऊपर 11,000 से 11,100 चला गया, जैसे ही गया ये 100 इंटू डेल्टा का आउट ऑफ द मनी का वैल्यू है 0.2, जनरली यही रहता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, ठीक है। यानी कि आपने 200 रुपये में अगर कोई प्रीमियम खरीदा होगा तो उसका प्राइस बढ़ के 220 रुपीज़ हो जाएगा। अब ये मार्केट ने सोचिए मार्केट ने अपनी 11,000 का 11,300 में ख़रीदा था जब निफ्टी का स्पॉट प्राइस 11,000 चल रहा था। मार्केट सेकेंड हाफ तक यानी कि 12:30 तक 11,300 पहुंच जाता है। अब कितना बढ़ेगा? अब आप बोलोगे सर 300 पॉइंट गया है, इसका मतलब 300 × 0.2, ठीक है, कितना बढ़ेगा? ये हुआ 60 रुपीज़। लेकिन 60 रुपीज़ नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि जब भी ये 11,000 से 11,300 में आता है, अब ये OTM नहीं रहा, अब ये ATM हो चुका है, यानी कि एट द मनी कॉल ऑप्शन हो चुका है। तो इसमें जो डेल्टा का वैल्यू है वो भी बढ़ चुका है, यानी कि जो डेल्टा आपके पहले ऑप्शन के निफ्टी या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट उसका 1 रुपये के स्पॉट प्राइस के चेंज के हिसाब से 0.20 पैसे से बढ़ रहा था, अब वो 0.50 पैसे से या फिर 0.60 पैसे से बढ़ना शुरू होगा, ठीक है। अब मार्केट ने 100 पॉइंट और रैली दिखाया, निफ्टी 11,400 चला गया। अब क्या होगा? अब आप बोलोगे सर 400 × 0.50, तो 200 पॉइंट हो गया, सॉरी हाँ 200 पॉइंट हो गया। अब 200 पॉइंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब 400 पॉइंट चला गया आपने तो 11,300 का कॉल खरीदा था, तो अब तो ये इन द मनी हो चुका है, यानी कि ITM हो चुका है, ये अब ATM या OTM नहीं है, अब ये ITM हो चुका है। अब इसका वैल्यू हर निफ्टी के एक स्पॉट प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज में ये भी 1 रुपये इंक्रीज या डिक्रीज होता रहेगा। तो निफ्टी का प्राइस, यानी निफ्टी छोड़िए कोई भी किसी का भी स्पॉट प्राइस कितना ऊपर गया या फिर कितना नीचे आया, इसकी वजह से मेन जो ऑप्शन है सी या फिर पी है उसका वैल्यू कितना चेंज होगा ये डिसाइड करता है डेल्टा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि डेल्टा कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड हमारे इस चैनल में आपको सिर्फ शेयर मार्केट की नहीं, क्योंकि वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आप एक स्मार्ट एंड कामयाब इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा बिजनेसमैन भी होना चाहिए। इसीलिए हम इस चैनल पे बिजनेस के स्टडीज़ भी लाते रहते हैं, बिजनेस के स्टडीज़, मार्केटिंग स्ट्रेटजी सब कुछ लाते रहते हैं। तो ज़रूर हमारे चैनल बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड नेक्स्ट पार्ट मैं कौन से ग्रीक्स पे बनाऊँ, गामा पे बनाऊँ, थीटा पे बनाऊँ या फिर वेगा पे बनाऊँ, ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।